hi everybody um, i hope you all are doing good i was not doing good for last two or three days so i was not present in the session um, sorry for that okay so now we're going to begin this session and yes i'm back now today but still i am not that good with the health but it's okay like we can continue the session I'm, I'm i'm good enough to take the session yes okay so yes we can begin our session i hope you all are doing good i hope you all are doing nice

तो एंड द बेस्ट थिंग इज दैट लाइक लाइक डू टू यू आर आल्सो गोना गेट एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्काउंट बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद और बताऊंगा तो बिफोर मूविंग ऑन टू द सेशन मेक श्योर यू हैव मे बी यू हैव नॉट लाइक द वीडियो लाइक द दीडियो वी कैन कीप इट अ साइड बट डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू गेट मोर एंड मोर गुड सच वीडियोस वीडियोस ओके और सच गुड या ओके

सिंपल uh, से बात है यार देखो आपको पता है कि कोविड नाइनटीन इतना ज्यादा फैल रहा है हमारी जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं यहाँ पे कई लोगों को कोविड नाइनटीन हुआ था शायद I'm not sure, but शायद आई एम नॉट श्योर बट उनमें से ही मुझे इन्फेक्ट हुआ था तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टे नेगेटिव टू कोविड स्टे पॉजिटिव दैट इज बेसिकली यू हैव टू बी पॉजिटिव यू गेट वैक्सीनेटेड एंड फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स बिकॉज दिस इज द मोस्ट यू कैन से दिस इज फैल like जाता है वहां पे बस ट्रेन बंद कर देते हैं तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग चल रही है तो मेरे ख्याल से आपको इसपे बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ठीक है फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही जरूरी है तो आपको पता है यार देखो फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो सोशल हेल्थ भी अच्छी होती है और सोशल हेल्थ का मतलब ये बस नहीं है कि आप लोगों से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो फेसबुक पे कनेक्ट कर लो बट ऑल्सो मीट द पीपल इन जनरल टॉक टू दीपल टॉक टू योर पेरेंट्स टॉक टू योर फ्रेंड्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम दूसरी बात यार ईट राइट एंड स्लीप टाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सही खाना खाएं कोशिश करें कि अगर आपने कुछ बहुत हैवी खा लिया फॉर एग्जाम्पल जैसे अब किसी इंसान को बहुत पिज्जा खाने में मजा आ रहा है ठीक है जैसे मैं तो मैं क्या करता हूँ कि चलो ठीक है आज मैंने खाया तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि मैं फिर बाकी टाइम पे हल्का खाना खाऊं, या फिर कुछ ऐसा खाना खाऊं, वेर आई कैन गेट मे बी सम मल्टीविटामिन मेरे ख्याल से आपको भी बहुत जरूरी है कि आपको पता है कि पहले जब लोग इतना अवेयरनेस नहीं रखते थे किस किस में कितना विटामिन है कितना प्रोटीन है तो उस समय ना इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी मतलब होती थी बट शायद वो इस लेवल की नहीं होती थी जिस लेवल की बीमारियां आज हम फेस कर रहे हैं तो आप देखते हो कि पहले कैंसर वैंसर जैसे ऐसी बीमारियां ना पहले लोगों को होती भी नहीं थी बट अभी होती हैं तो मेरे ख्याल से आप ये बहुत ख्याल रखें इस चीज का ठीक है एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप कुछ भी करते हो एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी में क्योंकि आ, जैसे अलग 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 जो एक्सरसाइज होती है ना वो आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करती है फॉर एग्जाम्पल रनिंग इज अ कार्डियो ठीक है तो वो आपको हेल्प करता है कि आपके हार्ट रेट्स को बेटर करता है या फिर आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी के अलग अलग फंक्शनल पार्ट्स को हेल्प करते हैं टू ग्रो एंड टू गेट बेटर तो डोंट थिंक की यू आर एट द बेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ योर बॉडी नो यू ऑलवेज नीड समथिंग डोंट पुश एक्स्ट्रा हार्ड ऑन बॉडी जैसे मैंने क्या किया था मैं स्किपिंग कर रहा था तो एक दिन में मैंने ऐसे कुछ हजार स्किपिंग कर दी इज नॉट अ गुड थिंग ओके यू हैव टू ग्रेजुअली मूव मतलब पहले दो सौ करो फिर मे बी टू फिफ्टी करो फिर मे बी लाइक थ्री हंड्रेड करो तो इट हैज टू बी लाइक दैट मेरी भी तबीयत खराब होने का रीजन यही था बिकॉज स्किपिंग <laughs> के बाद मैंने ढेर सारा ठंडा पानी पिया था तो इट वॉज लाइक होता है तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर की चीजें कहाँ आपको हेल्प कर रही है और कहाँ पे आपको नुकसान पहुंचा रही है ठीक तो है तो क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि आप उनसे सलाह कर रहे हो उनसे बातें कर रहे हो उनके जीवन में जो घट रहा है उसे पूछ रहे हो आप आपके जीवन में जो घट रहा है उन्हें बता रहे हो आप क्योंकि देखो तो वर्ल्ड इज ओपन नाउ योर पेरेंट्स आर आल्सो नोन एंड एक्सपोज टू द इनफॉमेशन यू आर एक्सपोज टू दे नो यू वेल मे बी दे विल नॉट मे बी समाइम्स पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड इंस्टेंटली बट

जरूरत हो थोड़ी सी मोटिवेशन की तो ये वीडियो आप उनको भेज सकते हो ठीक है सो दैट्स इट फॉर सेशन और अब हम थोड़ा और एक इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे so well. so देखो यार, मतलब, uh, मैं ये नहीं कहूंगा कि यू शुड बी गोइंग फॉर क्रैश कोर्स और मे बी फॉर टर्म टू नहीं मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जरूर से जरूर जाओ बिकॉज देखो आपको अपनी नीड समझनी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स हैं क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए और यू आर लैगिंग बिहाइंड सिलेबस तो मेरे ख्याल से आपको जरूर जाना चाहिए बट इनमें से आप अगर चार पांच चीजें ओके हैं आपके डाउट्स नहीं है आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत नहीं जा रही है आपको आपके पास पर्याप्त असाइनमेंट्स और टेस्ट हैं जो आप देकर आराम से पेपर अपियर कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी जरूरत नहीं है टू गो फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज ज क्वाइट क्वाइट काइंड ऑफ इनअ फॉर यू लेकिन अगर इनमें से आपको मेजरली चीजों में प्रॉब्लम हो रही है for example, आपके भी रह जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं तो देखो यार फिर आपके पास कुछ फायदेमंद चीजें भी होती हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो जब आप लाइव क्लासेस लेते हो ना ऑनलाइन तो आपके पास quizzes होते हैं leaderboard में आपका नाम आता है आप कितने क्वेज कर रहे हो और कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो उसका डेटा आता है जो तो आप देख के ये पता करते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कई बार हम घर में पेपर देते हैं क्वेश्चन लगाते ही हम अपना आंसर देख लेते हैं और ना आंसर नहीं आया तो हम चेक करके वापस अपना आंसर चेंज करते हैं या फिर उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होता आपका एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई कितने क्वेश्चन आपने किए कितने क्वेश्चन आपने गलत किए कितने क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड थे काफी फायदेमंद चीज है ठीक है यू आर गोना कवर द एंटायर सिलेबस कुछ भी यहाँ से वा... जैसे क्या होता है आप घर पे पढ़ते हो तो कई बार ना आप रेगुलर पंक्चुअलिटी नहीं कर पाते हो आपको लगता है यार आ, मतलब लगता होगा ना कि यार चलो आज फिजिक्स पढ़ेंगे बट आप पढ़ नहीं पाए या तो बहुत कम पढ़ पाए ठीक है आज कल आपने चलो कल, कल केमिस्ट्री खत्म कर देंगे दो चैप्टर नहीं हो पाया अब ये पंक्चुअलिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल में घर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए आई थिंक यहाँ पे काफी हेल्प मिलती क्योंकि मान लो आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ने का मन कर है आप माइक्रो कोर्स में जाओ सेशंस की रिकॉर्डिंग देख लो या लाइव सेशन अटेंड कर लो और वहाँ पे आप की ले लो. Than अब आप अपना रिविजन कर सकते हो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो अब जब इतनी सारी चीजें है ना तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए हाँ मैं आपको फिर से एक बात मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट आस्किंग दो पीपल हु एक्चुअली प्रैक्टिसिंग विध ऑल हार्डवर्क देखो आपको अपनी नीड समझना बहुत important. अगर मुझे प्यास लगी है, तो मैं obviously पानी पीऊंगा हाँ, थोड़ी देर के लिए प्लास प्यास शायद बुझा लू बट पानी इज द अल्टीमेट एंड अटमोस्ट नीड मतलब वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए अदरवाइज मेरे प्यास बुझ सकती ही नहीं है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी नीड है तो दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू सो डी पी प्रो इज द कोड यूज द कूपन कोड बाई क्लिकिंग ऑन दिंक केक है हुई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप यूज़ कर सकते हो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव गुड टाइम एंड बाय टेक केयर